हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सेलकल 500 mg टैबलेट का, जो कि कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट है। और इस टैबलेट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसके यूज एंड साइड इफेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, इसको किस कंडीशन में इस टैबलेट को यूज नहीं करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, छोटा सा वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए मेडिसिन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सेलकल 500 mg टैबलेट में कैल्शियम एंड विटामिन D3 इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। आमतौर पर हम जो भी भोजन करते हैं, अगर हमें उस भोजन से कैल्शियम और विटामिन D3 की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो हमारे शरीर में कैल्शियम के कमी होने के कारण हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि हमारे शरीर के पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो इस टैबलेट का यूज़ विटामिन D3 की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी, शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होना, एसिडिटी, पेट में अल्सर या फिर हड्डी टूट जाती है तो उसको ज्वाइंट करने के लिए इस टैबलेट का यूज़ होता है। और भी कई मामलों में डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, क्योंकि इस टैबलेट का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। सेलकल 500 mg टैबलेट 15 टैबलेट के स्ट्रिप में आती है और इसकी MRP प्राइस 98.90 रुपीज़ है। और इसकी मार्केटिंग टोरेंट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो नॉर्मली ये साइड इफ़ेक्ट सबको अनुभव नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर दर्द, लीवर एंजाइम का बढ़ जाना, पेट दर्द, कब्ज, जी मचलाना, फिर एलर्जी, दस्त जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इस प्रकार के कुछ भी साइड इफ़ेक्ट महसूस हो तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप पहले से कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो, तो इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। अगर आपको पहले से हार्ट, लीवर, किडनी, ट्यूमर, ब्लड में फास्फेट और कैल्शियम का ऊंचा स्तर होना, अगर आप इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो, तो इसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें, ताकि आप जब भी इस टैबलेट का उपयोग करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस टैबलेट का डोज के बारे में हम बात करें तो इस टैबलेट का डोज एडल्ट के लिए है, यानी कि बड़ों के लिए एक टैबलेट खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। आप इसे मिल्क के साथ भी ले सकते हो। इस टैबलेट को प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस मेडिसिन के बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।